नमस्कार, मैं आपका सेवक मिहिर कोटेचा। आज 5 अप्रैल रात 10 बजे तक मुंबई में 9,857 नए केसेज आए हैं। हमारे मुलुंड की बात करें तो पूर्व और पश्चिम मिलाकर के आज 383 नए केसेज आए हैं। कल से शुरू होने वाले पार्शल लॉकडाउन को लेकर के काफी कंफ्यूजन है, तो मैं फिर एक बार आप सभी को बता दूं, कल से सिर्फ वही दुकान जो एसेंशियल कैटेगरी में आती है, फार्मास्यूटिकल स्टोर्स, किराने की दुकान, दूध डेयरी प्रोडक्ट्स, इनको छोड़ करके और डॉक्टर के क्लिनिक्स को छोड़ करके किसी भी दुकान को खुली रहने की अनुमति नहीं है। सब्जी और फल, ये दोनों चीजें मार्केट में उपलब्ध रहेंगी, इन पर कोई रोक नहीं है। प्राइवेट ऑफिसेस एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सभी को 100% वर्क फ्रॉम होम कहा गया है। इसका मतलब एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर प्राइवेट ऑफिसेज कल से 30 अप्रैल तक बंद रहेंगी। अब एसेंशियल सर्विसेज में पोर्ट, एयरपोर्ट सर्विसेज, क्लियरिंग एजेंट्स, पेट्रोल पंप्स, स्टॉक एक्सचेंज, आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, इन्हीं कैटेगरी को, बैंक्स, इंश्योरेंस, एनबीएफसीज, केवल इन्हीं कैटेगरी को ऑफिस खुली रखने की अनुमति है 50% स्टाफ के साथ। बहुत सारे फोन आए, मैं सभी को बता दूं कि एज ऑफ टुडे जितना मैंने आपको बताया है उतना ही आदेश आया है। आगे चल के कोई क्लैरिफिकेशन अगर आते हैं तो हम आपको वो बता देंगे। मेरी आज महानगर पालिका के वार्ड ऑफिसर के साथ भी मीटिंग हुई और एलबीएस रोड स्थित ऑक्ट्रॉय नाका को कोविड सेंटर जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी में हम लग चुके हैं। जैसे ही वहां पे फैसिलिटी शुरू की जाएगी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। सभी जगह पर परिस्थिति बहुत गंभीर है और इसलिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।